कुछ तकनीकी व्यवधान उत्पन्न हुआ है, इसके लिए हम मुझे खेद है। हम चर्चा कर रहे थे कि स्वरोजगार क्यों आवश्यक है, वहां से ही मैं शुरू कर रहा हूं कि स्वरोजगार इसलिए आवश्यक है कि यदि स्वरोजगार के अंतर्गत हम अपना कोई उद्यम लगाते हैं, तो जैसे कि मैंने प्रश्न पूछा था, आप लोगों की तरफ से जवाब नहीं आया कि उद्यमशीलता के लिए आवश्यक है, उद्यम लगाने के लिए आवश्यकता है, पांच तत्वों की आवश्यकता होती है, भूमि, पूंजी, साहस, श्रम, साहस और संगठन। भूमि, पूंजी, श्रम, साहस और संगठन के जो पांच घटक होते हैं, इन पांचों घटकों को रोजगार मिलता है। पांचों घटकों को रोजगार मिलने के साथ ही आप जानते हैं कि अगर रोजगार मिलेगा तो आय प्राप्त होगी, आय प्राप्त होगी तो आय के व्यक्ति दो ही उपयोग करता है, या तो बचत करेगा या व्यय करेगा। बचत करेगा तो पूंजी निर्माण होगा, पूंजी निर्माण होगा तो पूंजी का विनियोग होगा, उत्पादन बढ़ेगा और उत्पत्ति के साधनों को पुनः रोजगार मिलेगा। दूसरी ओर जो व्यय करता है अगर व्यक्ति, तो व्यय करेगा तो उत्पाद की मांग बढ़ेगी और मांग बढ़ेगी तो उत्पादन होगा, औद्योगिक विकास होगा, अर्थव्यवस्था गतिशील होगी और देश में खुशहाली आएगी। तो आय के सृजन के लिए स्वरोजगार एक आवश्यक विधा है। आप ये अच्छे तरह से जानते हैं, हम सभी इस बात से बखूबी परिचित हैं कि भारत में पूंजी की कमी और श्रम की अधिकता है। विश्व की दूसरे नंबर की सबसे अधिक आबादी भारत में है। सबसे बड़ी बात है कि भारत में युवाओं की संख्या सबसे अधिक है। ऐसी स्थिति में यदि युवा अपना स्वयं का रोजगार स्थापित करते हैं तो निश्चित रूप से न केवल उनके स्वयं की आय में वृद्धि होगी, अपने पैरों पर वो खड़े हो सकेंगे, और बल्कि दूसरी ओर अर्थव्यवस्था, देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको भी एक गतिशीलता प्रदान करेंगे। इसलिए स्वरोजगार की हम कल्पना करते हैं कि स्वरोजगार इसलिए आवश्यक है। स्वरोजगार के क्षेत्र में पहले उद्योग की जगह अब उद्यमी शब्द का प्रयोग होता है। उद्यमी शब्द का प्रयोग है, उद्योग का नाम बदलकर उद्यम शब्द कर दिया गया है, क्योंकि उद्यम में निर्माणी और सेवा संबंधी उपक्रम को भी सम्मिलित कर लिया गया है। पहले उद्योग के अंतर्गत हम एक उद्योग की संरचना का ही अध्ययन करते थे उद्योग, लेकिन आज के जमाने में, आज के वर्तमान युग में उद्योग का नाम बढ़ गया, उद्यमशीलता कर दिया है, क्योंकि इसमें दो क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। मैं विद्यार्थियों से अपेक्षा करूंगा कि इसको अपने कॉपी में, नोटबुक में जरूर अंकित करें कि उद्यम में स्वरोजगार लिए जो उद्यम है उसमें निर्माण और सेवा संबंधी उपक्रम को सम्मिलित किया गया है। यानी आप किसी भी कोई भी फैक्ट्री लगाते हैं तो उसमें तीन प्रकार की कैटेगरी होती है, माइक्रो, स्मॉल और मध्यम। माइक्रो स्केल की जो फैक्ट्री होगी वो उनको कहते हैं जिसमें कि मशीनों की लागत, माने मशीनों का जो व्यय है वह 25 लाख तक का व्यय जो है माइक्रो उद्यम में आता है। स्मॉल उद्यम में मशीनरी की लागत 25 लाख से 10 करोड़ तक आकी गई है, और मध्यम श्रेणी के जो उद्यम है उनमें मशीनरी की लागत, यानी जिन उद्यमों में मशीनरी की लागत 25 लाख रुपए तक है वह माइक्रो, जिनमें 25 लाख से 10 करोड़ है उसको स्मॉल, और जिसमें मशीनों की लागत 5 करोड़ से 10 करोड़ तक है उसको मध्यम स्तर का निर्माणी उद्योग में करते हैं। सेवा क्षेत्र में जो उद्यम है, सेवा क्षेत्र में हमारे प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि अब हमारे देश का युवा सांप से नहीं माउस से खेलता है और सारी दुनिया को घुमाता है। भारत में आज युवाओं की सबसे अधिकता है। इस सेवा क्षेत्र के जो उद्यम है इसमें भी माइक्रो स्केल के जो उद्यम होते हैं इसमें भी मशीनरी की लागत 5 लाख तक की मशीनें अगर लगाई जाती हैं तो उसको माइक्रो उद्यम की श्रेणी में रखेंगे। मशीनरी की लागत 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक है तो उसको स्मॉल की श्रेणी में रखेंगे, और मशीनरी की लागत 2 करोड़ से 5 करोड़ रुपए तक है तो उसको मध्यम श्रेणी के उद्यमशीलता में रखेंगे। तो हमने चर्चा की कि आज
हजारों काम बाकी हैं और हजारों हाथों को काम नहीं। सबसे अधिक आबादी युवाओं की है। हमको स्वयं रोजगार मांगने की अपेक्षाकृत इतना सक्षम हम हों कि जिसमें कि हम स्वयं रोजगार उत्पन्न कर सकें, ना केवल अपनी बेरोजगारी दूर कर सकें बल्कि अन्य लोगों को भी हम रोजगार मुहैया करा सकें। क्योंकि आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर रोजगार बढ़ता है तो आय बढ़ती है, और आय बढ़ने के साथ साथ जैसे कि अर्थशास्त्र का भी सिद्धांत है कि अगर आय बढ़ेगी तो आय का व्यक्ति दो ही उपयोग करता है। पहला, या तो वो बचत करेगा तो पूंजी निर्माण होगा, पूंजी निर्माण होगा तो विनियोग होगा, विनियोग होगा तो उत्पादन होगा, और उत्पादन होगा तो उत्पत्ति के 5 साधनों को रोजगार मिलेगा, भूमि, श्रम, पूंजी, साहस और संगठन। कोई भी विद्यार्थी भूमि, श्रम, पूंजी, साहस और संगठन के उपयोग के बदले में क्या प्राप्त होता है, ये कोई बताएगा? मेरी जिज्ञासा है, आप विद्यार्थी, कोई भी विद्यार्थी, चलिए मेरे सामने सबसे आगे बैठे हुए पथरिया दो के बच्चे हैं, आप में से कोई बताएगा भूमि को उसके उत्पादन के बदले में क्या प्राप्त होता है? भूमि को, कोई भी विद्यार्थी, राजगढ़ से देखिए, मैं मेरा बार बार प्रयास ये रहता है कि आप चर्चा में भाग लें, एक तरफा नहीं होना चाहिए। हाँ जी, भूमि, श्रम, पूंजी, साहस और संगठन, उसके उपयोग के बदले में क्या प्राप्ति होती है? देखिए, भूमि को उसके उपयोग के बदले में लगान, श्रम को मजदूरी, पूंजी को ब्याज, संगठक को लाभ और साहसी को पुरस्कार। साहसी माने उद्यमी। उद्यमी वह जिसने की हिम्मत की है, वह साहसी। और आप जानते हैं कि साहसी को उसकी साहस के लिए पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इस तरह से उनकी आय बढ़ती है, और आय बढ़ती है तो जैसे कि मैंने पूर्व में भी कहा कि आय बढ़ने पर जो है उत्पादन बढ़ता है, उत्पादन बढ़ता है, वस्तुओं की मांग बढ़ती है, वस्तुओं की मांग बढ़ती है तो उद्यमशीलता बढ़ती है, उत्पाद बढ़ते हैं, और इस तरह से अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ता प्राप्त होती है और देश में खुशहाली आती है। इसलिए हमने ये चर्चा की कि आज आवश्यकता इस बात की है कि हम स्वयं का अपना रोजगार जो है वो प्रारंभ कर सकें। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि हम ये तो पढ़ लेते हैं नीतिगत कि स्वरोजगार या उद्यम लगाना आवश्यक है, उद्यम लगा सकते हैं, लेकिन हमारे विद्यार्थियों के मानस में ये बात बिल्कुल सही, बिल्कुल स्पष्ट चाहिए कि वह कृत्य विमूढ़ हो जाता है कि उद्योग कैसे स्थापित करें, उद्योग कैसे स्थापित करें। सबको अच्छा लगता है कि हाँ भाई स्वरोजगार के लिए आवश्यक है, उद्यम लगाना चाहिए, लेकिन उद्योग कैसे स्थापित करें? तो सबसे पहले जो उद्यमी है उसको यह समझना होगा कि क्या उत्पादित करें, क्या उत्पादन करें। अब क्या उत्पादन करें इस बात पर आधारित है, इसके लिए व्यापक सर्वेक्षण होना चाहिए, सर्वेक्षण करना चाहिए कि जिस चीज का आप उद्योग लगाने जा रहे हैं उसका व्यापक सर्वेक्षण करें। सर्वेक्षण इस आशय का कि उसकी मांग है उस क्षेत्र में, उसके लिए आवश्यक कच्चा माल, सस्ता श्रम, परिवहन, बिजली, इस तरह के सारे संसाधन मौजूद हैं। पता चला कि जो है इन सब का हमको सर्वेक्षण करना होगा। इसके साथ ही स्वामित्व का स्वरूप, स्वामित्व जैसे नाम से जाहिर है, स्वामित्व का स्वरूप माने आप अकेले होना चाहते हैं, एकाकी स्वामित्व है या साझेदारी का स्वामित्व है, चार लोग मिलकर उद्योग लगाना चाहते हैं, कोई समझौते, साझेदारी समझौते के तहत उद्योग लगाना चाहते हैं, या उसको एक कंपनी के रूप में जो है उसको संचालित करना चाहते हैं। यह उद्योग स्थापित करने के पहले हमको बहुत अच्छी तरह से इसका अध्ययन कर लेना चाहिए, तब वह उद्यम प्रारंभ होगा। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि ये बात तो ठीक है, हमने सर्वे कर लिया स्वरोजगार के लिए, भूमि, श्रम, पूंजी, साहस और संगठन का भी सर्वेक्षण हो गया कि कच्चा माल भी कहां से उत्पादित होता है। अब प्रश्न ये आता है क्या उत्पादन करें, क्या उत्पादित करें, कौन सी वस्तु का हम निर्माण करें या किस वस्तु का उत्पादन करें, उसमें
आपकी रुचि, आपका सामान्य ज्ञान, विशेष ज्ञान, आपके वित्तीय संसाधन, उद्योग का संभावित आकार, कच्चा माल, श्रम और सबसे बड़ा जो है वो है बाजार। जब कोई भी उद्यमी, कोई भी युवा स्वरोजगार की बात करता है, उद्यमशीलता की बात करता है, उद्योग लगाने की बात करते हैं, तो उनको इन चीजों का ध्यान बहुत अच्छी तरह से रखना चाहिए कि क्या उत्पादित करें में आपकी रुचि किस क्षेत्र में है, किस क्षेत्र में आपकी रुचि है और आप उस रुचि के पीछे आपके क्या कारण और क्या तर्क हैं। आप जिस वस्तु का उत्पादन करने जा रहे हैं उसका आपको सामान्य ज्ञान होना चाहिए और वस्तु अगर कोई तकनीकी रूप से अगर उसमें किसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है तो ज्ञान भी प्राप्त होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, ये देखिए दो पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है कि वित्तीय साधन किसी भी उद्यम को लाने के लिए सबसे पहले सबसे अधिक आवश्यकता अगर किसी चीज की होती है तो वित्त माने पूंजी। तो आपके वित्तीय साधन क्या है, क्या आपके पास कोई पूंजी पहले से इकट्ठी है या आप किसी बैंकिंग संस्था से वित्त पोषण आ रहे हैं, ये सारी चीजें आपको भली भांति ज्ञात होनी चाहिए। अपने वित्तीय संसाधनों के अंतर्गत ही हम अपने उद्यम की रचना को अंजाम तक पहुंचा सकते हैं और जिस उद्योग को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं उसके लिए आपको चाहिए कि उस उद्यम में जो संभावित कच्चा माल है, कच्चा माल आपको कहां से प्राप्त हो सकता है, श्रम आपको कैसे प्राप्त हो सकता है, क्योंकि हर चीज में आपका व्यापक अध्ययन होना चाहिए कि कच्चा माल श्रम आपको आसानी से उपलब्ध हो सके, परिवहन के संसाधन क्या है इसका भी आपको संपूर्ण रूप से अध्ययन कर लेना चाहिए। और इन सबसे बड़े बाजार, अभी मैं पिछली कक्षाओं में एक चर्चा आई थी, एक इकाई जो है बायोमास की इकाई जो है डलने की बात, तो उसमें पता चला कि उसमें जो है कच्चे माल के रूप में सोयाबीन का भूसा जो है वो उपयोग होता है। तो हम ऐसी जगह उद्योग लगाएं, अब मान लीजिए सोयाबीन जिस क्षेत्र में सबसे अधिक सोयाबीन हो रहा है, अगर हम वहां पर उस इकाई का निर्माण करेंगे तो हम ये पाएंगे कि उसमें जो सोयाबीन का जो भूसा है वो सोयाबीन जहां सबसे ज्यादा उत्पादन होगा वहां भूसा आपको उपलब्ध हो सकता है। एक उदाहरण दिया मैंने, यानी आपके उद्यम की संरचना के लिए पहले से आपको इस बात का व्यापक अध्ययन होना चाहिए, व्यापक जानकारी होनी चाहिए कि आपकी रुचि किस तरह है, रुचि के साथ साथ आपका जो संभावित उत्पादन करने जा रहे हैं उसके बारे में सामान्य ज्ञान आपका पुख्ता है, उसमें अगर टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है तो उस तकनीकी ज्ञान पुख्ता है, आपके वित्तीय संसाधन क्या हैं, वित्तीय संसाधनों की आवक कहां से हो रही है, यह सारी चीजों का आपको व्यापक अध्ययन होना चाहिए। फिर आता है कि कच्चा माल, जो भी उद्यम हम इस प्रारंभ करने जा रहे हैं उस उद्यम के लिए आवश्यक प्राप्ति के संसाधन कितने समीप हैं इस बात का भी ध्यान रखना होगा, परिवहन के साधन क्या हैं इसका भी ध्यान रखना होगा और इसमें सबसे अधिक ध्यान जो रखना होगा वो होता है बाजार का, कि आपके द्वारा उत्पादित वस्तु के लिए उपयुक्त बाजार का भी आपको अध्ययन होना चाहिए। पता चला कि बाजार का अध्ययन नहीं किया, मैंने आपको बताया था कि मैं एक परियोजना, एक बहुत अच्छी परियोजना पीजी कक्षा ने परियोजना बनाई थी, लेकिन जब मैंने उनसे प्रश्न किया, परियोजना बहुत अच्छी थी, वो उनकी परियोजना जो है मुर्गी पालन पर आधारित थी, अंडों की बिक्री पर आधारित थी, लेकिन मैंने उनसे प्रश्न किया कि जिस क्षेत्र में आप मुर्गी पालन और अंडों का उत्पादन करने जा रहे हैं, अंडों की उत्पादन की इकाई प्रारंभ करने जा रहे हैं, उस क्षेत्र को विशेष धार्मिक क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, अर्थात वहां पर अंडा और मांस जो है वो उसके विक्रय पर प्रतिबंध है, इस बात को आपने विस्मृत कर दिया। तो ऐसा हमारा किताब ज्ञान नहीं होना चाहिए, बल्कि हमको यथार्थ रूप से
संपूर्ण परिस्थितियों का अध्ययन करना होगा कि आप जो भी इकाई लगाने जा रहे हैं उसके द्वारा जो निर्मित वस्तु है उसके लिए मार्केट बाजार है कि नहीं, ये विपणन की सुविधा है कि नहीं, इन सब का अध्ययन करना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है व्यापक सर्वेक्षण, कोई भी चीज का उद्योग लगाने के साथ ही आपको सैंपल सर्वे आवश्यक है। व्यापक सर्वेक्षण के लिए लोगों के समक्ष अपने चयन किए गए उत्पादन के संबंध में विस्तृत जानकारी रखें। आप जानते हैं आज विज्ञापन का युग है, छोटी छोटी चीजों के विज्ञापन होते हैं, इन सब चीजों को आपको अपने अध्ययन में सम्मिलित करना होगा। अपने उद्यम लगाने के पूर्व बाजार का भरपूर ज्ञान करना होगा। अगर आप सर्वेक्षण करते हैं, लोगों से चर्चा करते हैं, तो एक तो आपको आपके द्वारा उत्पाद वस्तु के लिए बाजार का ज्ञान होगा, दूसरी ओर कई ऐसे उत्साही लोग भी आपको मिल सकते हैं जो आपका प्रोजेक्ट जो है, कई ऐसी चीजें होती हैं कि जैसे मैंने हमेशा ये कहा है कि हर व्यक्ति में एक उद्यमशीलता होती है। आज का विद्यार्थी बहुत प्रतिभावान है, उसको ऐसी चीजों का भी नॉलेज है, उसका ज्ञान है, परिपूरित ज्ञान है कि कई मर्तबे ऐसा देखा गया है कि आपके सोच को अगर आपका उद्योग की इकाई की संरचना की बहुत अच्छी तरह से तैयार की है और लाभ हानि का उसमें हर तरीके से आपने अध्ययन कर लिया, तो आपको सर्वेक्षण के दौरान आप ये पाएंगे कि आपको कई ऐसे व्यक्ति भी मिल सकते हैं जो का भी प्रस्ताव आपको दे सकते हैं। इन सब चीजों के लिए आवश्यक यह है कि आप भी उद्यम लगाने जा रहे हैं, उस उद्यम के बारे में आपकी जानकारी पूर्ण होनी चाहिए, चाहे वो कच्चे माल से संबंधित हो, चाहे वो श्रम से संबंधित हो, चाहे बिजली से संबंधित हो, चाहे पहुंच मार्ग से संबंधित हो और निकटता से संबंधित हो। इन सब चीजों का आपको उद्योग लगाने के साथ के पूर्व संपूर्ण रूप से आपका अध्ययन होना चाहिए। इसके लिए व्यापक सर्वेक्षण किया सकता है, सर्वेक्षण के द्वारा आपको बाजार का ज्ञान होगा। कई बार तो ऐसा होता है कि पढ़ते पढ़ते हम एकदम से उद्योग लगाने की सोचते हैं, लेकिन उसके पूर्व हमको बाजार का ज्ञान नहीं होता है क्योंकि हम सब पढ़ाई में व्यस्त रहते हैं, तो बाजार का जो उतार चढ़ाव आता है उसका ज्ञान नहीं होता है। तो आप जब व्यापक सर्वेक्षण करेंगे तो बाजार का ज्ञान होगा। सर्वेक्षण के दौरान आपको अन्य ब्रांड की कमियां जो वर्तमान बाजार में है ज्ञात हो जाती है। अब मान लीजिए आप किसी भी चीज का उत्पादन करने जा रहे हैं, उससे मिलता जुलता उत्पाद वस्तुएं मार्केट में है, बाजार में है, तो उनकी क्या कमियां हैं, उनमें क्या आप सुधार कर सकते हैं, उस तरह का भी आपको ज्ञान हो जाता है। सर्वेक्षण के दौरान यदि अधिकांश लोगों की उत्पाद के पक्ष में है तो इस सर्वेक्षण पर हुए व्यय को विनियोग माने। तो सर्वेक्षण बहुत आवश्यक है किसी भी उद्यम को लगाने के लिए। आप पहले उस उद्यम का जो समकक्षी ब्रांड है और वह उस उद्यम जो भी आप वस्तु उत्पादित करने जा रहे हैं, अगर उससे मिलती जुलती वस्तु मार्केट में है तो उसकी गुणवत्ता को भी आप परखिए, उसकी अगर कोई कमी है तो उस कमी को अपने उत्पाद में दूर करने का प्रयास करेंगे। यह सब चीजें हमको सर्वेक्षण, व्यापक सर्वेक्षण के द्वारा ही प्राप्त होगी। अब देखिए, आपने हिम्मत की है, आपने उद्यम लगाने का प्रयास किया है, इसके लिए आपने बाजार का सर्वेक्षण किया, आपने क्षेत्र का सर्वेक्षण किया, आपने कच्चे माल की उपलब्धता का आकलन किया, आपने अपने वित्तीय संसाधनों को इकट्ठा करने का, इन सब चीजों के होने के पश्चात आपने ये भी सुनिश्चित कर लिया कि हमको एकाकी इकाई लगानी है, साझेदारी में इकाई लगाना है, या हमको जो है एक फर्म या कंपनी के रूप में कोई इकाई लगानी है, कोई भी उद्योग स्थापित करना है। तो अब प्रश्न आता है, किसी भी आपको अपने उद्यम का नाम रखना होगा, अपने उद्योग का नाम किसी भी अधिनियम द्वारा प्रतिबंधित नामों पर विचार ना करें। इसके लिए सामान्य बात है कि कोई प्रतिबंधित है किसी तरह का, तो इस तरह का नाम ना रखें। नाम छोटा हो,
बोलने और सुनने में रुचिकर हो। नाम से यदि उत्पादित वस्तु या उसके गुणों का आभास होता है तो अति उत्तम है। देखिए कई आप आज अपने आसपास देखिएगा, कई अभी जो है कई कंपनियां मोबाइल कंपनियां हैं जो है कर लो दुनिया मुट्ठी में, ये मोबाइल से देखिए उससे ये मैसेज जाता है कि कर लो दुनिया मुट्ठी में माने आपके हाथ में जो मोबाइल है उससे आप पूरी दुनिया से कनेक्ट हैं। तो आप अपने उत्पाद का नाम आप विज्ञापन देखते होंगे इस तरह का रखें जिसमें नाम छोटा हो, बोलने और सुनने में रुचिकर लगे, यानी टिपिकली होना चाहिए कि ऐसा लगे जो आम लोगों की जुबान पर आराम से आ जाए। और उस ऐसा नाम रखिएगा कि जो कि जैसे आपने देखा होगा जीवन बीमा निगम का एक विज्ञापन आता है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी की बात भी, कितनी बड़ी बात कह देते हैं। अगर इसको सीधा कहा जाए कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, बीमा करने वाले ये सीधा नहीं बोलते हैं कि मरने के बाद इतना पैसा मिलेगा, क्योंकि अगर मरना बोल दिया तो बीमा कोई कराएगा ही नहीं। तो हम तो जीने के लिए प्रयास कर रहे हैं और ये मरने की बात कर रहा है, तो वो उसको देखिए कितने सुंदर शब्दों में उन्होंने पुरोया है। बात वही है कि जिंदगी के साथ, इसलिए आप अपनी इकाई का नाम, अपने उद्यम का नाम इस तरह का रखें जो कि नाम छोटा हो, सुनने में रुचिकर हो, कानों को कर्णप्रिय लगे, उसमें किसी को किसी की भावनाओं को ठेस भी ना पहुंचे, और उस जिस जो नाम रख रहे हैं आप उससे उत्पादित वस्तु या उसके गुणों का आभास होता है। बहुत उत्तम है कि अगर मान लीजिए जैसे कि अभी एक विज्ञापन आता है कि आप जानते हैं कि सबसे अच्छा जो है एक बिस्किट का विज्ञापन आता है या आटे का विज्ञापन आता है कि सीहोर जिले में सबसे अच्छा गेहूं होता है और उस गेहूं से बने हुए आटा बहुत जो है रुचिकर है, तो वो सारी बातें कह देते हैं। तो इस तरह से आपको अपनी इकाई का नाम ऐसा रखें, अपने उत्पाद का नाम ऐसा रखें जो सुनने में रुचिकर हो, कर्णप्रिय हो, और नाम से उस जो उत्पादित वस्तु बन रही है उसके गुणों का आभास हो तो बहुत अच्छा होता है। तो ये नाम निर्धारण की प्रक्रिया भी आपको संपादित करनी होगी। नाम निर्धारित नाम किसी वर्ग विशेष या समुदाय विशेष का प्रतिनिधित्व ना करता हो, सामान्य सी बात है, किसी राजण का आभास ना होता हो सके तो नाम का पंजीकरण करा लें, ये बहुत आवश्यक है। आजकल जो भी आप नाम रखते हैं कृपया उसको अपना पंजीकरण करा लें विधिवत, उसकी अगर मान लीजिए कोई सोसाइटी के अंतर्गत है तो सोसाइटी का भी रजिस्ट्रेशन करा लें, और यदि मान लीजिए आप अपनी इकाई का नाम छोटा नाम रखते हैं तो उसका भी आप पंजीकरण करा लें। स्थान का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है कि उद्योग की स्थापना उसी स्थान पर की जाती है जहां पर कि यातायात, बिजली, पानी, दूरसंचार, बैंक, सुरक्षा, डाकघर, सस्ती भूमि, उपयुक्त जलवायु तथा विकसित औद्योगिक वातावरण उपलब्ध हो। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आप जो उद्यम लगाने जा रहे हैं वह उद्यम एक सामान्य प्रक्रिया, एक जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नहीं है, क्योंकि उद्यमशीलता के लिए आपको भूमि, श्रम, पूंजी, साहस और संगठन की आवश्यकता तो पड़ती ही है। साथ ही उद्यम या उद्योग ऐसे स्थान पर लगाना चाहिए जहां पर कि यातायात, सुगम यातायात हो, आवश्यक जो भी बिजली आपको चाहिए बिजली की सुविधा हो, पानी की सुविधा हो, दूर संचार की सुविधा हो, बैंक, सुरक्षा बहुत आवश्यक है, और सबसे बड़ी बात है कि भूमि अगर सस्ती मिलती है तो ये बहुत बात, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा जो है मशीनों से अगर मैं कहूं कम नहीं तो समतुल्य आज जमीन जो है बहुत महंगी होती जा रही है। तो ऐसी जगह उद्यम लगाएं जहां पर कि जहां ऐसी भूमि का चयन करें जहां पर कि ज्यादा उपजाऊ भूमि ना हो। अगर मान लीजिए कोई इकाई लगाने जा रहे हैं और जो है जो हमको सस्ते मूल्य